नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है हमारी पहाड़ी YouTube फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से, साथ में चल रहा है मेरे हरीश भाई और मैं हूं। तो पहले चलते हैं कसैले दूध डेयरी पर, रोज़ का ही काम है, दूध फिलअप वहाँ पर करना है। तो उसके बाद निकलेंगे चौखोटा साइड पर। चौखोटा साइड पर भी बहुत काम होने वाला है आज। हमारी जो सेकेंड पार्ट था वो भी कम्प्लीट हो चुका है रिटेनिंग वॉल का। तो आगे क्या काम करना है और क्या काम आज वहाँ पर होगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह का मौसम आप लोगों को कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो खूबसूरत दिन आज भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपना दिन शुरू करते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं कसैले की तरफ को। अभी सामने देखिए आड़ू के पेड़ पर मस्त फूल आ रखे हैं और ये नीचे सारे आलू लगाए हुए हैं और पुलम पे भी बढ़िया फूल आए हुए हैं अभी देखिए। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ चौखोटा साइड पर और मेरे पीछे हमारे यहाँ का जो चौखोटा गाँव है उस गाँव का सैम जी महाराज जी का मंदिर। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मंदिर में भी एकदम शांति छाई हुई है। तो वर्करों का वेट कर रहे हैं, वर्कर यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो अपना कार्य स्टार्ट करवाते हैं फिर, तो उन्हीं का वेट है। और वैसे भी आजकल होलियाँ हैं, सभी जगह होलियाँ चल रही हैं, हमारे गांव में तो इस बार है नहीं होली क्योंकि कैजुअलिटी हो गई है दो तीन, तो उस चक्कर से होली नहीं लग पा रही है। और आप लोगों के यहाँ अगर होली लग रही है तो कैसा माहौल बना हुआ है कमेंट में शेयर करिएगा। और होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को और पूरी यूट्यूब फैमिली को। और आजकल पहाड़ों में भी एक त्यौहार आता है फूल दही करके, तो उसका भी समय आने वाला है। आजकल सभी जगह आप देख रहे होंगे फूल ही फूल देखने को मिल रहे हैं, बुरांस के फूल हो चाहे आड़ू के पेड़ों में हो पुलम के पेड़ों में हो, तो सभी जगह फूल ही फूल देखने को मिल रहे हैं। तो फूल दही का त्यौहार आता है आजकल, जो दरवाजे की डेली बोलते हैं हम चौखट, तो उस पर फूल अर्पित करे जाते हैं सुबह सुबह, गोबर और मिट्टी से लिपाई होती है फिर फूल अर्पित करे जाते हैं। और एक महीने तक एक कार्यक्रम चलता है, उसके बाद आता है फूल दही का त्यौहार, तो वो भी आने वाला है। वसंत ऋतु फागुन का महीना, पहाड़ों में बहुत अलग प्रकार की रौनकें छाई हुई हैं, मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए काम पे तो हम पहुँच गए हैं, वर्करों का वेट है, वर्कर पहुँच जाते हैं तो फिर अपना कार्य स्टार्ट करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली सारे वर्कर आ चुके हैं साइट पे और काम शुरू हो चुका है सुबह के टाइम में। और हमने सबसे पहले आज जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर, हमने इसको इस पर चिनाई करनी है जो रिटेनिंग वॉल का थर्ड पार्ट है, तो काम शुरू हो चुका है। साथ में हम प्लंथ कर रहे हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट कम्प्लीट हुआ उसके वहाँ पर, तो देखते हैं दिन भर हमारा कितना काम यहाँ पे हो पाता है और कितनी प्रोग्रेस आज आ पाती है। और व्यूज इस प्रकार आ रहे हैं सुबह के टाइम में, देखिए क्लीन व्यू है, अभी बढ़िया धूप आई हुई है। नज़ारे कैसे लगे सुबह के टाइम में इस साइड से कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड मैं आया था अभी कसैली मार्केट में, पोस्ट ऑफिस से थोड़ा काम था। ये देखिए ये रजिस्ट्री है जिसको मैंने पोस्ट करना था, लेकिन पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर काम हो नहीं रहा है। मैं अभी हूँ कसैली में लक्की भाई के यहाँ पे, लक्की भाई का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लक्की रेस्टोरेंट करके कसैली में, बढ़िया खाना बनाते हैं। अभी भी भाई यहाँ पर बना रहे हैं, अंडा करी बना रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बढ़िया खाना यहाँ पर लक्की भाई बनाते हैं। जब भी आप मुक्तेश्वर आते हैं, यहाँ से अगर जाते हैं कसैली मार्केट होते हुए, तो यहाँ पर ज़रूर रुकिए, आपको बेहतरीन टेस्ट के साथ बढ़िया खाना यहाँ पर मिलेगा। तो लच्छू भाई लगे हुए हैं यहाँ पर अंडा करी बनाने में। ये देखिए अंडे तो इन्होंने यहाँ पे बॉईल कर लिए, फ्राई कर लिए, और साथ में अभी यहाँ पे मसाला भुना जा रहा है। तो लक्की भाई क्या बोलना चाहोगे बताओ। ये हैं लच्छू भाई। जब भी यहाँ पर आओ कसैली मार्केट पे, हमारे हाथ का खाना एकदम स्वादिष्ट और बेहतरीन तरीके से, तो लच्छू भाई बना रहे हैं एकदम पहाड़ी स्टाइल में अंडा करी। तो जब भी आप यहाँ से आते हैं मुक्तेश्वर घूमने के लिए आते हैं, तो जरूर यहाँ पे बैठिए कसैली में, लक्की रेस्टोरेंट करके इनका होटल है। तो बढ़िया यहाँ पे वेज नॉन वेज सारा खाना मिलता है और काफी बेहतरीन टेस्ट इनके हाथ का आता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं वापस चौखोटा साइड को निकल लिया हूँ कसैली से, क्योंकि कसैली में पोस्ट ऑफिस में हमारा काम हुआ नहीं, वहाँ पे चल रही है उनकी कुछ हड़ताल बंद, तो इस चक्कर में हमारा जो काम था वो हो नहीं पा रहा है। रजिस्ट्री हमने वहाँ पे रजिस्ट्री हमने पोस्ट करनी थी, हो नहीं पा रही है, रजिस्ट्री फिर से वापस ले जा रहा हूँ। रजिस्ट्री का ये रहता है जब रजिस्ट्री होती है तो दूसरे दिन इसके पेपर मिलते हैं, उसी दिन तो मिल नहीं पाती है, उस दिन केवल रसीद मिलती है, तो दूसरे दिन पेपर मिलते हैं। तो ऑनर इसके चले गए हैं जो हमने उस दिन रजिस्ट्री कराई, तो ऑनर चले गए, तो अब रजिस्ट्री हमारे पास हम अपनी तहसील से ले आए हैं, तो हमने ये करनी है पोस्ट। अब देखते हैं कल यहाँ पर काम होगा तो कल करवाएंगे, बाकी अभी 12 बजने वाले हैं, काम हमारा चौखोटा साइड पे चला ही हुआ है, तो चौखोटा साइड पे पहुँच जाता हूँ। और साथ में मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मुक्तेश्वर आते हैं कसैली होते हुए निकलते हैं,
तो ज़रूर लक्की रेस्टोरेंट में ज़रूर बैठिए, वेज नॉन वेज जो भी आपको खाना है बेहतरीन खाना वो बनाता है भाई। सामने का नज़ारा देखिए, जंगल में नीचे रोड से लेके ऊपर तक बुरांस ही बुरांस देखने को मिल रहे हैं, एकदम रेड रेड जितना भी आपको रेड नज़र आ रहा है सारे बुरांस के फूल फूले हुए हैं। ये देखिए पूरा एरिया एकदम लाल हो गया है जंगलों में। व्यूज़ देखिए, अभी दोपहर के समय में हल्की हल्की गर्मी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन मौसम काफ़ी बढ़िया है। अभी गर्मी उतनी हो नहीं रही पहाड़ों में, हल्की हल्की गर्मी हो रही है। शहरों में क्या हाल है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहुंच जाता हूं साइड। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चकोटा की तरफ, घर पर आए थे, लंच कर लिया, साथ में हरीश भाई है जो ले जा रहे हैं अमित भाई के लिए खाना। तो चकोटा में पहुँचते हैं और वहाँ जो आज हमारा दिन भर का काम हो रहा है वो आपके साथ मैंने शेयर करना है। तीसरा पार्ट वहाँ पे हमारा जो है रिटेनिंग का, उस पर चिनाई हो रही है तो वो कंप्लीट हो जाता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलते हैं यहाँ से, और मौसम है बढ़िया, धूप आ रखी है, हल्की हल्की उमस हो रही है, तो चलते हैं। घर से तो आ गए हैं, तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे चकोटा पर पहुँचते में। तो पहुँचते हैं चकोटा, फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, लंच के बाद फिर से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, करीब 1 घंटा हो गया लंच के बाद जो काम शुरू हो रहा है। ये व्यूज़ हैं जो अभी आ रहे हैं यहाँ से, इस साइड से, और आज हमारा बनाया जा रहा है तीसरा वाला पार्ट। दो पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा पार्ट इस पर बनाया जा रहा है, ये भी लगभग 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और पास में भरी जा रही है मिट्टी, तो ये वाला पार्ट बनाया जा रहा है तीसरा वाला हमारा, बाकी दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं सामने में देखिए। तो तीसरा पार्ट ही चला हुआ है चिनाई इस पर, लगभग नीचे से जहाँ से आज आपको फ्रेश चिनाई दिख रही है अंदाज़ा आ रहा होगा वहाँ से इतनी चिनाई होगी है, लगभग 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी ये वाला पार्ट। और सामने में भरी जा रही है मिट्टी, फिलअप करी जा रही है लैंड को प्लंथ करने के लिए। फ्रेंड पास में लगाए जा रहे हैं आलू, नीचे देखिए इन्होंने पहले भी यहाँ पर आलू लगा रखे थे, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया, लेकिन जंगली सुअर ने रात को सारे आलू यहाँ पे निकाल दिए, खा लिए, तो दोबारा इनको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी है, दोबारा फिर से यहाँ पे आलू लगाने पड़ रहे हैं। फ्रेंड शाम के 4 बज रहे हो, कार यहाँ पे चला हुआ है, जो थर्ड पार्ट है रिटर्निंग वॉल का उसकी चिनाई हो रही है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और ऊपर से हमारा सारा मटेरियल यहाँ पे आ रहा है और ये रास्ता बना रखा है हमने नीचे आने के लिए। और शाम के समय में देखिए बेहतरीन व्यू जा रहे हैं अभी, दूर दूर तक बढ़िया व्यू, लेकिन आज हल्की हल्की धुंध भी है पहाड़ों पर। तो दोस्तों बच चुके हैं शाम के 5 और हो चला है छुट्टी का समय काम से हमारे, तो अभी सारे जो हमारे बर्तन औजार हैं उनको हम संभालेंगे यहाँ पे से, और प्लंथ किया हमने आज, रिटेनिंग वॉल उठाई और इन्होंने भी यहाँ पर आलू पूरे लगा दिए हैं, इनको भी अच्छी खासी दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। और ये रही हमारे रिटेनिंग वॉल की लुक जो आज हमने यहाँ पर चिनाई करी, काम अच्छा हुआ है, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है, और पूरी लंबी रिटेनिंग वॉल को देखिए किस प्रकार ये रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों दिन भर के काम काज के बाद मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और थोड़ा रिलैक्स भी अभी फील हो रहा है क्योंकि दिन भर काफ़ी दौड़ भाग रहती है, सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत रहती है। और यही था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और शानदार व्यूज़ के साथ। आज दिन भर तो ऐसा ही है, अभी मौसम एकदम धुंध सी आई है पहाड़ों में, एकदम जो विजिबिलिटी है वो कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। मैं अभी आपको शाम का मौसम दिखाता हूँ। और दिन भर काम भी काफ़ी अच्छा हुआ आज, मेहनत तो लगती ही है पहाड़ों में, हम भी सुबह से चले जाते हैं अपने काम के लिए और शाम को ही इस समय पर अपने घर पे आ पाते हैं। दिन भर कभी ऊपर कभी नीचे इधर उधर दौड़ना ही पड़ता है, तो मेहनत है ही पहाड़ों पे। तो ये था हमारा दोस्तों दिन भर का ब्लॉग, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।